हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी की। कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी है ये एक लो विक्स एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी है। जब मार्केट में वॉलिटिलिटी कम होती है उस टाइम पे आपको ये स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए। और उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। तो जब मार्केट में कम वॉलिटिलिटी होती है तब ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी का जो नेचर है वो मीन रिवर्टिंग होता है। अगर वॉलेटिलिटी ऊपर ज्यादा चली जाती है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये अपनी मीन की तरफ वापस नीचे आएगी, और अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नीचे होती है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये अपनी मीन की तरफ ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी का नेचर है ये मीन रिवर्टिंग होता है। तो क्योंकि वॉलेटिलिटी का नेचर मीन रिवर्टिंग है तो उसी को हम प्ले करते हैं कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू। तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है तब हमें ये स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी वापस ऊपर जाएगी तो एक कैलेंडर स्प्रेड में हमें प्रॉफिट होता है। तो ये लो विक्स एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी है, इसको वॉलेटिलिटी स्प्रेड भी बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी है इसमें हम एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, अगर नहीं पता है तो वो भी आपको पता लग जाएगा, और इसमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और ये चीज मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन लर्निंग प्रोग्राम जो हमने नया लॉन्च किया है, इसका पहला बैच इस कमिंग संडे से शुरू होगा। 26 मार्च से ये बैच शुरू होगा और ये होने वाला है आयरन फ्लाई के ऊपर। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए या आप रजिस्टर करना चाहते हो तो ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे कॉन्टेक्ट करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। इस प्रोग्राम में हर संडे को एक नया बैच शुरू होगा एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर, और इसको ज्यादा इंटरेक्टिव रखने के लिए हमने सिर्फ एक बैच में 10 पार्टिसिपेंट्स ही रखे हैं। जो पहले 10 रजिस्टर करेंगे उन्हीं को इस बैच में इंक्लूड किया जाएगा ताकि इसको ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सके। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ए रिफंड पॉलिसी इन प्लेस। अगर आप इसको अटेंड करते हो और आपको लगता है कि वर्थ इट नहीं था तो आप हमें बताइए, आपको बिना कुछ सवाल पूछे 100% रिफंड दिया जाएगा। तो इस लर्निंग प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी का बैच लेते हो, आप उसे अटेंड करते हो, तो एक महीने के बाद उस स्ट्रेटजी में ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको ना आता हो। इसकी ड्यूरेशन है ये 1 month होने वाली है, जहां पे 5 घंटे का एक लाइव सेशन होगा पहले, उसके बाद 1 महीने की लाइव ट्रेडिंग होगी जहां पे जो ट्रेड मैं ले रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा, और मार्केट में उसमें किस तरह के एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे जैसे मार्केट मूव करता है उसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद लास्ट में एक 1-on-1 सेशन होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ एक 1-on-1 सेशन होगा जहां पे आप अपनी डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हो। तो ये बैचेज हैं, ये हर संडे को शुरू होंगे। आप जिस स्ट्रेटजी का बैच अटेंड करना चाहते हो उसके लिए आप रजिस्टर करने के लिए या क्वेरी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और पहला बैच है वो कल यानी संडे से शुरू होगा और ये होने वाला है आयरन फ्लाई के ऊपर। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड को अगर हमें एडजस्ट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहाँ पे एक कैलेंडर स्प्रेड को हम ट्रेड करते हैं। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और अभी जो वीकली सीरीज है वो 29 मार्च की है। तो कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, जो करंट सीरीज होती है उसका ऑप्शन हम सेल करते हैं और सेम स्ट्राइक को हम बाय करते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्च सीरीज का एक ऑप्शन सेल करूंगा और फिर अगली सीरीज में जाके और सेम स्ट्राइक को मैं बाय करूंगा। तो ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया है और मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,000 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, लेट से आपको 17,000 के स्ट्राइक का एक कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करके दिखाता हूं। तो यहां पे 17,000 का एक कॉल ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम 143 रुपीज है, इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया। तो ये देखिए ये मेरी पोजिशन बनती है, इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया 17,000 के कॉल ऑप्शन का। अब मैं क्या करूंगा, 17,000 का कॉल ऑप्शन मैं बाय करूंगा लेकिन अप्रैल की सीरीज का। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं, अप्रैल की सीरीज में लगा लेता हूं यहां पे, और यहां पे मैं क्या करूंगा, 17,000 का जो कॉल ऑप्शन है जो मैंने मार्च में सेल किया है उसी को मैं बाय कर लूंगा अप्रैल में, और इसका प्रीमियम कितना है, 391 रुपीज का। तो इसका एक लोट मैंने बाय कर लिया। अब आप देखिए ये एक कैलेंडर स्प्रेड बन गया। यहां पे मैंने क्या किया, 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है मार्च सीरीज में और 17,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है अप्रैल की सीरीज में, और जो ऑप्शन मैंने सेल किया है उसको सेल करके मुझे 144 रुपीज मार्केट से रिसीव हुए हैं, और जो ऑप्शन मैंने बाय किया है उसके लिए मैंने मार्केट को 391 रुपीज पे किए हैं। तो नेट ये एक डेबिट स्प्रेड होता है, मैंने मार्केट को नेट एक डेबिट पे किया है। तो ये मेरा कैलेंडर स्प्रेड है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि इसका सेटअप किस तरह का होता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और कैसे यहां पे आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दिख रहा है ये सही नहीं दिखा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो
तो ये है एक कैलेंडर स्प्रेड का सेटअप। अब यहाँ पे आप एडजस्टमेंट किस तरह के कर सकते हो मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप एक कैलेंडर स्प्रेड में एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दो सबसे सिंपल जो एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला एडजस्टमेंट क्या है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट मूव करता है तो आपको क्या करना है, इस कैलेंडर स्प्रेड को आपको कन्वर्ट कर देना है एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। यहां से देखिए अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन लेट से अब मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू कर देता है, जो आपका लॉस मेकिंग एरिया है उसमें मार्केट चला जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस कैलेंडर स्प्रेड को कन्वर्ट कर देना है एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। तो वो कैसे करोगे, 17,000 के स्ट्राइक पे ये कैलेंडर स्प्रेड मैंने डिप्लॉय किया है। अब मैं क्या करूंगा, लेट से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है तो आपको क्या करना है, आप ऊपर जाइए और लेट से 17,200 का जो कॉल ऑप्शन है यहां पे आपको एक और कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना है। तो वो कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं मार्च की सीरीज में चलता हूं और यहां पे 17,200 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट में सेल करता हूं। और अब आपको क्या करना है, अप्रैल सीरीज में आप आइए और 17,200 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट आप बाय कर लीजिए। तो ये देखिए ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। यहां पे मैंने क्या किया है, देखिए इस पे ऑफ चार्ट को आप मत देखिए कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि एडजस्टमेंट आपको यहां पे किस तरह से करने हैं। बाकी ये स्ट्रेटजी हमें कब ट्रेड करनी चाहिए उसका एक एनवायरमेंट होता है, उस एनवायरमेंट में अगर आप इसे ट्रेड करोगे तो ये प्रॉफिटेबल होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आंख बंद करके इसको ट्रेड करना शुरू कर दो। और नॉट ओनली दिस स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी को आपको आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना चाहिए, वरना जो आउटकम आप चाहते हो, जो प्रॉफिटेबिलिटी आप चाहते हो, वो आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो हर स्ट्रेटजी का एक एनवायरमेंट होता है, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो ये मैंने एडजस्टमेंट किया है, और ये एडजस्टमेंट क्या है कि मैंने एक कैलेंडर स्प्रेड को कन्वर्ट कर दिया है एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। तो इस तरह से पहला एडजस्टमेंट है ये आप कर सकते हो। इसके अलावा अगला एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो, देखिए अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये बढ़ गई है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है, पहले यहां पे आपको लॉस हो रहा था लेकिन अब आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मार्केट और ऊपर चला जाता है तो आप क्या कर सकते हो, तो देखिए आप इस डबल कैलेंडर स्प्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड में। वो आप किस तरह से कर सकते हो, देखिए पहले मैंने 17,000 के कॉल ऑप्शन पे कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया, देन मैंने 17,200 के कॉल ऑप्शन पे एक और कैलेंडर स्प्रेड लगा दिया। तो ये जो पहले कैलेंडर स्प्रेड था ये अब कन्वर्ट हो गया एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। और अगर मार्केट यहां से भी ऊपर जाता है तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड में। वो आप किस तरह से कर सकते हो, लेट से मैं मार्च की सीरीज को ओपन कर लेता हूं। मार्केट और ऊपर जाता है तो मैं क्या करूंगा, 17,300 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा। और अप्रैल की सीरीज को मैं ओपन करता हूं और 17,300 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट में बाय कर लूंगा। तो ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड में। अब आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी है ये आगे बढ़ गई है, आपका ब्रेक इवन है ये और ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो गया है। लेकिन याद रखिए ये आपको कब करना है, जब मार्केट मूव कर चुका होगा। इस वजह से यहाँ पे देखिए आपको लॉस दिखाना शुरू कर दिया है, अब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे हो गई है। लेकिन ये एडजस्टमेंट हमें कब करना है, जब मार्केट यहां से मूव करके यहां पे आ चुका होगा। तो ये एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। दोनों एडजस्टमेंट है बहुत सिंपल है, दोनों का नेचर बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। मैंने क्या किया है, मैंने पहले एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया 17,000 के कॉल ऑप्शन पे, फिर मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अब अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है तो मुझे लॉस होगा। तो जब मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे तो आपको क्या करना है, उसको एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मैंने यहां पे किया, पहले 17,000 का जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड था, 17,000 के स्ट्राइक पे जो मेरा कैलेंडर स्प्रेड था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डबल कैलेंडर स्प्रेड में। कैसे, मैंने 17,200 का जो स्ट्राइक है वहां पे एक और कैलेंडर स्प्रेड को मैंने डिप्लॉय कर दिया। तो अब दो कैलेंडर स्प्रेड हो गए हैं, एक 17,000 के स्ट्राइक पे और एक 17,200 के स्ट्राइक पे। अब अगर मार्केट और ऊपर जाता है, कंटिन्यू करता है मार्केट ऊपर जाना, तो मुझे फिर से लॉस आना शुरू होगा। तो वहां पे मैंने क्या किया, 17,300 का जो स्ट्राइक है वहां पे एक और कैलेंडर स्प्रेड मैंने डिप्लॉय कर दिया। तो यहां पे तीन कैलेंडर स्प्रेड मैंने ट्रेड कर दिए हैं, एक 17,000 के स्ट्राइक पे, एक 17,200 के स्ट्राइक पे, एक 17,300 के स्ट्राइक पे। ये तीन स्ट्राइक पे मैंने कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय कर दिए, इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड। तो एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड को डबल कैलेंडर स्प्रेड, देन ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड, उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको ही करना है। तो ये एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो एक कैलेंडर स्प्रेड में। अब ये तो मैंने आपको ऊपर का एग्जांपल लेके बता दिया कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं।
सेम एडजस्टमेंट जब मार्केट नीचे जाता है तब भी आप कर सकते हो। अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के नीचे जाना शुरू कर देता है तो भी आप इसी तरह से अपने कैलेंडर स्प्रेड को डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद आप इसको ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया है। इसके अलावा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है जो आपका इनिशियल ट्रेड था उसको आपको स्क्वायर ऑफ भी करना है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि वीडियो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वो आपको कब करना वो थोड़ा एडवांस, देखिए ये जो स्ट्रेटजी है ये अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा कि मेरा जो ओरिजिनल ट्रेड था उसमें से मैं एग्जिट हो गया और अब एक नया डबल कैलेंडर स्प्रेड मेरे पास है, वो अलग चीज हो जाएगी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो मेरा कैलेंडर स्प्रेड है उसमें पहला एडजस्टमेंट मेरा ये होगा कि मैं उसको डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूं, और अगर मार्केट अभी भी मूव करता है यूनिट डायरेक्शनली तो जो डबल कैलेंडर स्प्रेड है उसको मैं ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो ट्रिपल पे आप अभी मत जाइए, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया है। चलिए, तो इस तरह से आप अपने कैलेंडर स्प्रेड को एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए डबल कैलेंडर स्प्रेड में, और उसके बाद आप उसको ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज हैं, ये आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है शुरू में। तो आप शुरू में डबल कैलेंडर स्प्रेड तक ही रहिए, क्योंकि ट्रिपल पे अगर आप जाते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये आप कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि ये पॉसिबल एडजस्टमेंट है जो आप इसमें कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आज आपने कुछ नया सीखा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।